अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अहम वीडियो। जैसे कि आपको पता है, आर्मोल की कटिंग का मसला इशू हर बंदे को तकरीबन होता है, स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं, कि हम किस तरह से कटिंग करें। उसके लिए बहुत आसान और आसान टिप्स ये है कि आपने क्या करना है। आर्मोल की कटिंग के लिए सबसे पहले आपने लेना है अपना तीरा। तीरा आपका जितना है आपने उस तरह से यहाँ पे, इस तरह से मेरा 8 है, मैं यहाँ पे 8 पे इस तरह से यहाँ से निशान लगा दूंगी। आपका जितना है आप उस हिसाब से, अपना 7 है किसी का, किसी का 9 है, आप उस हिसाब से लगा सकती हैं। लगाने के बाद आपने सिंपल अपना आर्मोल की जो लंबाई होगी वो लेनी है। अब मेरी आर्मोल की जो लंबाई है वो है 9। आपकी जितनी भी है, 8 है, 7 है, 9 है, 10 है, जितनी भी है, आप उस हिसाब से इस तरह से लगा दें। लगाने के बाद बिल्कुल सीधी इस तरह से एक लाइन लगाएं। ये एक ऐसा तरीका है कि आपकी स्टिचिंग बहुत परफेक्ट तरीके के साथ जहाँ से होगी, कोई यानी कि आपको मसला नहीं होगा। और ये ऐसा तरीका है कि हर किसी के जहन में आराम से बैठ जाता है। अगर किसी के जहन में नहीं बैठता तो सिंपल आप जब इस तरह की कोई वीडियोस वगैरह देखें तो आप साथ एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाया करें और साथ लिखती जाया करें। जब एक दो दफ़ा आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगी या वीडियोस जब समझ ना आए तो दोबारा से वीडियो अगर आपके जहन में हो उसे खोल के देखेंगी, दो दफ़ा की कटिंग के बाद आपके माइंड में ये चीज़ आराम से बैठ जाती है, कोई इशू नहीं होता। यहाँ से मैंने 1.5 इंच में यहाँ से निशान लगा दिए है। यहाँ पे लगाने के बाद पहले आपने स्केल लेना है, स्केल की मदद मतलब से आप यहाँ से इस तरह से बिल्कुल लाइन एक लगा दें, उस निशान के साथ मिलाना है। और सेम फिर यहाँ से इस तरफ से भी आपने एक निशान लगा लेना है, पेंसिल के साथ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से यहाँ से भी इसको इसके साथ मिला दें। अब ये जो होगा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इस निशान को यहाँ से इसके साथ बिल्कुल सीधा से इस तरह से मिला दें। अब ये आपकी मेजरमेंट होगी, आपका जो है नाप हो गया है कि आपने नाप कैसे करना है। अब सिंपल यहाँ से इस तरह गुलाई में आप लेके जाएं। ये हमारी बैक वाली साइड की जो कटिंग है वो है, ये बैक की है और ये फ्रंट की है। आपने क्या क्या करना है, पहले बैक वाली साइड पे अपने दोनों कपड़ों को काट लेना है, फिर बैक साइड को आपने उठा के साइड पे करना है, फ्रंट साइड से इस तरह से जो निशान लगा वहां से कटिंग कर लेंगी। तो इस तरह से आपकी बैक एंड फ्रंट दोनों साइड की कटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आपके सामने लेती हूँ, ये देखिए फ्रंट और ये बैक, और ये अब ये देखिए यहाँ से मैं लेती हूँ अब अपनी चेस्ट का नाप। मेरा 22 नाप है और मैं यहाँ पे 22 पे लगाती हूँ। ये देखें, अब ये देखें बिल्कुल मेरी सिलाई इसके बराबर आ जाएगी, कोई मुझे इश्यू नहीं होगा। जिस तरह से आपका नाप है उस तरह से आप इस आसानी के साथ बहुत यानी कि इसी तरीके से अब आपके माइंड में चीज़ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी तरीके के साथ आप इस तरह से कटिंग कर सकती हैं इसकी और ये नाप ले सकती हैं। अब यहाँ से आपने इस तरह से अपना चेस्ट का नाप ले लिया, मैंने चेस्ट का अपना नाप ले लिया था। अब यहाँ से आपने नीचे जितनी फिटिंग है उसको करके कपड़े को अपने को काट लेना है और फिर फ्रंट साइड की कटिंग कर देनी।